still drive me crazy. Hey. दोस्तों कैसे हाल चाल है आपके, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को आप मिस कर देंगे। दूसरी चीज है, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीसरी चीज है, वीडियो को लाइक जरूर करें, उसी से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है या नहीं। चौथी चीज है, कमेंट जरूर करें, बहुत सारी चीजें कह दी मैंने। एक्सक्यूज मी, Who's this present guy? Your break's over? So Himmat का online school चल रहा है और ये मस्ती मार रहा है क्योंकि इसकी break चल रही है। You finish your food? Not yet. जा फिर जल्दी food finish करो, जाओ। Go 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 go. Yoga's going on? Maybe another time we can do a video yoga. It's just a video for watching for sitting. That's it. Okay, dosto. So, Himmat ki class mein yoga chal raha hai. Now, as we all know, Sonic is a balloon hedgehog. So, you like yoga? Okay, bye. No, I need to work. Bye. ऑलराइट दोस्तों, सो मैं लेके आई हूँ ये तीन कैनवास जिनको मैं पेंट करना चाहती थी मेरे लिविंग रूम के लिए। मेरी प्लानिंग थी एक बड़ा सा कैनवास लेने की ताकि मैं एक बड़ी सी पेंटिंग बनाऊँ मेरे लिविंग रूम के लिए, क्योंकि जब आप पेंटिंग्स लेने जाते हो तो बहुत महंगी हैं वो, और दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी पसंद की हर बार चीज़ मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ, पर जो अकेला कैनवास था वो बहुत ज़्यादा महंगा था, तो मैंने सोचा कि तीन ले लेते हैं। इन तीनों पे एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ बनाएंगे और इनको अटैच करके हम लिविंग रूम में लगा देंगे। सो मुझे सबसे अच्छे पेड़ पौधे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि पेड़ बनाते हैं जो भी कलर्स कॉम्प्लीमेंट करें मेरे रूम को। सो हमने शुरुआत की है कैनवास के ऊपर नूड किस्म का रंग लगाने की। मैं एक्रिलिक कलर्स ही यूज़ कर रही हूँ जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे एंड ऑफ द डे। एक्चुअली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा प्रोजेक्ट मेरा, पहले तो मैं इसको यूज़ ही नहीं करने वाली थी, बट हस्बैंड ने कहा कि इट्स ओके, नॉट दैट बैड, तुम कर लो। तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देते हैं। सो पेड़ बना रही हूँ, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लूफा एंड ब्राउन एंड वाइट का मिक्सचर, उससे मैंने पेड़ क्रिएट किया है। उसके बाद छोटे छोटे क्यू टिप्स के साथ हम पेड़ को क्रिएट करेंगे एंड पांच छह डिफरेंट कलर्स यूज़ कर। मेरा पेड़ कुछ इस तरह का दिख रहा है एंड पेड़ को थोड़ा सा शाइनी दिखाने के लिए मैंने इसमें गोल्डन ग्लिटरी कलर भी यूज़ किया है। सो जो मेरा प्लान था वो सक्सेस नहीं हुआ, पर इट्स ओके, नॉट दैट बैड। आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मेरी कोशिश होती कुछ अच्छा कुक करूँ, पर आज मैं कुक करने वाली हूँ गाजर आलू मटर। वो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनके साथ हस्बैंड को अच्छा लगता है वाइट मक्खन। सो उसके लिए मैंने ये 35% क्रीम को इसमें रख लिया प्रोसेसर में, ताकि इसका रूम टेम्परेचर हो जाए, जब लाइक दो तीन घंटे ऐसे पड़ी रहेगी
थोड़ी वार्म हो जाएगी तो हम मक्खन निकालेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं मक्खन मैं कैसे करती हूँ, सिमोर कैन कुक पे उसकी रेसिपी है। सो ये मक्खन जाएगा आज आलू गाजर की सब्जी के साथ, और बिकेज कल सैटरडे एंड संडे है तो कोई परांठे शरांठे बना लूंगी मैं, उसके साथ चला जाएगा। सो यस, अब मैं हिम्मत को कुछ खाने के लिए देने वाली हूँ। ओके दोस्तों, आई डोंट नो कैसे सुन पा रहे हैं मुझे या नहीं, पर फाइनली कैमरे ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया, बिल्कुल बंद हो गया। सो गाजर रेडी है कुक करने के लिए, बट Till your mind so silky, up under the town we fly, clean it up just to make it feel. तो गाजर मटर बनाने के लिए मैं गाजर यूज़ करती हूँ ऑब्वियसली, पर हमें गाजर अच्छी लगती है लाल, जो इंडियन गाजर होती है। हम संतरी वाली या ऑरेंज किस्म की दिखने वाली गाजर नहीं बनाते हैं, उसको सिर्फ हम सैलड के लिए यूज़ करते हैं। यस, मैं इसको प्रेशर कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जल्दी कुक हो जाती है, सिर्फ एक ही सीटी बन जाएगी तभी मैं इसको निकाल के ओपन बर्तन में रख लूँगी लाइक कढ़ाई में, ताकि ओवर कुक नहीं हो जाए। और हमारे यहाँ पे सब्जियों में पानी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर मैं उसको वहीं रहने दूंगी तो पानी पानी हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। सो इसलिए मैंने ओपन कढ़ाई में रख दिया है, और मैं चेहरा पता नहीं क्यों बना रही हूँ, आई डोंट नो, मे बी हिम्मत एंड हस्बैंड के लिए। सो हस्बैंड को गाजर मटर के साथ परांठी अच्छी लगती है क्योंकि हम डिनर समय पर ही कर लेते हैं, तो यार मैंने उनको परांठी बना दी थी और इस तरह मैंने डिनर सर्व किया है। आज मैंने प्लान बनाया हिम्मत को प्रैंक करने का, कि मैं लाइक फेंट होने का, और वो कामयाब नहीं हुआ, फिर मुझे बोलना पड़ा। आप खुद से देखें आपको कैसा लगा। Make your mouth. Make your mouth. Quickly, don't die.
ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ ਮੀਮੀ ਮੀਮੀ ਯੂ ਓਕੇ ਮੀਮੀ ਯੂ ਓਕੇ ਮੀਮੀ ਡੈਡੀ ਇਜ਼ ਨਾ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਈ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਓਕੇ।